हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधे टेक वर्ल्ड। दिस इज़ राखी सिन्हा हियर। आज मैं आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है MSW लोगो, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली स्कूल के स्टूडेंट को कराया जाता है ताकि उन लोगों का जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ये लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है ग्राफिकल इमेज बनाने के लिए। MSW का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। इस ग्राफिक लैंग्वेज का यूज़ हम फिगर को ड्राइंग करने के लिए या फिर किसी भी ग्राफिकल इमेज को बनाने के लिए या फिर अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए करते हैं। सबसे पहले आप MSW लोगो को किसी भी ब्राउज़र से डाउनलोड कर लीजिए, या आप गूगल से कर सकते हैं या क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आप MSW लोगो लिखिए। आप किसी भी ब्राउज़र में जाके यहाँ पर MSW और लोगो लिखिएगा तो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद इंटर करने पे आपका, अभी मेरा इंटरनेट नहीं है तो जो आपका पहला ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका MSW लोगो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये MSW आपका फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मीन्स कि फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये आपके स्क्रीन पे इस टैब से हो जाएगा। जैसे जैसे मेरा तो स्क्रीन पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है और जब मैं इसे ओपन करने हूँ तो कुछ इस टाइप सा इंटरफेस ओपन होता है। इसे हम ओके कर लेते हैं। MSW विंडोज का लोगो का स्क्रीन ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग आज स्क्रीन को समझते हैं। यहाँ पे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इस वाले एरिया को, इसे हम बोलते हैं मेन एरिया, मीन्स कि ड्राइंग एरिया, जहाँ पे हम पिक्चर को ड्राइंग करेंगे, इमेज को ड्राइंग करेंगे। बीच में आप ट्रायंगल शेप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं टर्टल। इसके ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं हेड और इसके नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं टेल। ये टर्टल ही आपका इमेज को ड्रॉ करेगा। सबसे ऊपर में आप देखिए जिसे हम बोलते हैं टाइटल बार, फिर उसके नीचे है फाइल बिट मैप, इसे बोलते हैं मेनू बार। यहाँ पे आपको मिल जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। सबसे नीचे में देखिए ये है आपका कमांड इनपुट बॉक्स, जहाँ पर हम कमांड को इनपुट करेंगे और इसी कमांड को जब हम इनपुट करेंगे तो ये कमांड आपका कमांड ऊपर में चला जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कमांड लिस्ट बॉक्स। जब हम कमांड देंगे तो टर्टल उसी के अकॉर्डिंग ही अपना काम करेगा। ये राइट साइड में देखिए, इसे बोलते हैं हम कंट्रोल बटन। यहाँ पे जो राइट साइड में है हॉल्ट ट्रेस पॉज, इसे बोलते हैं कंट्रोल बटन। सबसे पहले हम कमांड देंगे इसमें फॉरवर्ड का, मीन्स कि इसे हम फॉरवर्ड को फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, उसका हम शॉर्ट लिखेंगे FD, और इसे आप कैप्स लॉक या फिर स्मॉल लॉक दोनों में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा FD, फिर आपको एक स्पेस देना है। उसके बाद आप टर्टल को कितना मूव कराना चाहती हैं, कितना स्टेप मूव कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने 80 लिखा, और जैसे हमने कमांड इनपुट बॉक्स में FD 80 लिखा है, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये आपका कमांड लिस्ट बॉक्स में शो करेगा। यहाँ पे देखिए कमांड लिस्ट बॉक्स में शो कर रहा है, और जैसे ही हमने एंटर किया टर्टल हमारा 80 स्टेप मूव कर चुका है। टर्टल का जो हेड है वो जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में आपका इमेज जो है वो ड्रॉ होगा। जैसे हमने 80 किया तो ये 80 स्टेप्स मूव कर चुका है। अगर आप इसे और भी स्टेप मूव कराना चाहती हैं तो भी कर सकते हैं। फिर हमने एंटर किया, फिर हमने लिखा FD 20, ये देखिए फिर 20 स्टेप ये मूव कर चुका है। तो इस टाइप से ये मूव किया। अब जैसा कि आपने देखा कि टर्टल इतना स्टेप मूव कर चुका है, अब हम इसे या तो राइट टर्न घुमाना है या फिर डायरेक्शन में ले जाना या फिर लेफ्ट टर्न। तो हम जब राइट टर्न के डायरेक्शन में ले जाएंगे तो हम कितने एंगल में जाएगा, मीन्स कि 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो हम चाहते हैं कि ये 90 डिग्री के एंगल में मूव करें। तो उसके लिए हम लिखेंगे राइट टर्न। राइट टर्न का शॉर्ट में हम लिखेंगे RT,
फिर हमें स्पेस देना है और कितने डिग्री एंगल में हम इसे डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, तो 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री में वो टर्न कर गया। तो जो आप टर्टल का जो हेड देख रहे हैं वो 90 डिग्री के एंगल में टर्न कर चुका है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से इसे स्टेप मूव कराना है हमें, तो एफ डी लिखेंगे 180। ठीक है, ये देखिए 180 हमने इसे फॉरवर्ड किया और हमने जब 180 लिखा तो ये 180 स्टेप फॉरवर्ड हो गया। फिर हम इसे एंगल किस एंगल के डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, तो हमने फिर लिखा राइट टर्न इक्वल टू 90, इक्वल टू नहीं, राइट टर्न स्पेस दिया और 90। ठीक है, तो ये फिर टर्टल का जो डायरेक्शन होगा, हेड का डायरेक्शन, वो आपका राइट टर्न में मूव हो जाएगा। ये देखिए मूव हो गया। फिर हमने लिखा एफ डी, ठीक है, 180। ये देखिए फिर 180 स्टेप ये मूव करेगा। फिर हमने लिखा राइट टर्न स्पेस 90। ये देखिए फिर वो राइट टर्न में मूव कर गया। फिर हमने लिखा एफ डी और 180, तो ये फिर मूव किया गया। इस टाइप से आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक स्क्वायर बनकर रेडी हो चुका है। कमांड देके आप एक स्क्वायर बना सकते हैं लोगो में। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टर्टल है वो कुछ स्टेप बैक हो जाए, तो हम क्या कमांड देंगे, बैकवर्ड कमांड। मीन्स कि हम क्या कमांड देंगे, बी के, और हम चाहते हैं 100 स्टेप वो बैक कर जाए, तो हम स्पेस और 100 लिखेंगे। तो देखिए वो बैक कर गया। देखिए अब हमारा टर्टल कहाँ है, बैक कर चुका है। फिर हम उसे कमांड देंगे बी के 50, तो वो फिर बैक कर जाएगा। ये देखिए 50 बैक कर गया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा टर्टल है वो हमारा राइट टर्न ले रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हमारा टर्टल लेफ्ट टर्न ले, तो उसके लिए कमांड है, हम लेफ्ट टर्न फुल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एल टी। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको कितना डिग्री में उसको टर्न कराना है, 20, 30 या 60 या फिर 90, तो हम 90 डिग्री में ही उसे टर्न करा रहे हैं। ठीक है, ये 90 लिखा और हमने इसे एंटर कर दिया। ये देखिए 90 डिग्री में वो टर्न कर चुका है। फिर हम कमांड देंगे उसे एफ डी 50। ये देखिए वो एफ डी 50 स्टेप वो मूव कर चुका। फिर हम उसे कमांड देते हैं एल टी 90 डिग्री। ठीक है, एल टी 90 डिग्री। ये देखिए वो 90 डिग्री में फिर मूव कर चुका है। फिर हम देंगे एफ डी और फिर देंगे 50। ये देखिए इस टाइप से आपका टर्टल मूव कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा टर्टल जो है वहाँ से हट जाए, मीन्स की हाइड हो जाए, तो उसके लिए कमांड है हमारा हाइड के लिए, हाइड का शॉर्ट में हम लिखेंगे एच टी और एंटर कर देना है। तो आपका टर्टल देखिए वहाँ से रिमूव हो गया, वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमें टर्टल फिर से वापस चाहिए, तो अब हम क्या कमांड देंगे उसे, शो टर्टल, मीन्स कि हम क्या लिखेंगे एच टी। ठीक है, और एंटर कर देंगे। ये देखिए फिर से टर्टल हमारा आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्क्रीन पे जो भी आपने ड्राइंग पिक्चर या जो भी कुछ बनाया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए ड्राइंग एरिया में, तो उसके लिए है क्लियर स्क्रीन। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट हम उसे क्या लिखेंगे, क्लियर स्क्रीन का जो शॉर्टकट है वो हम लिखेंगे CS और एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा जो स्क्रीन पे जो भी हमने अभी फिगर बनाया वो हमारा हट गया। उसके बाद आप चाहते हैं कि कमांड लिस्ट बॉक्स में जो भी हमने कमांड दिया है वो भी हट जाए, मिंट की टेस्ट जो है वहाँ से क्लियर हो जाए, तो उसके लिए कमांड है क्लियर टेस्ट, जिसको हम लिखेंगे CT और एंटर कर देंगे। देखिए आपके लिस्ट बॉक्स में भी, कमांड लिस्ट बॉक्स में भी कोई टेस्ट नहीं लिखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ से लोगों से वापस आना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड है BYE। ठीक है, बाय करेंगे तो हम यहाँ से वापस आ जाएंगे। ये देखिए हम वहाँ से एग्जिट कर चुके हैं। तो इस टाइप से आप लोगों के कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।